एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट है। देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की खोली जाएगी हिस्ट्री शीट। नरेश मीणा की हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी में राजस्थान पुलिस है। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार नरेश मीणा है आदतन अपराधी। 2002 से ही नरेश मीणा का रिकॉर्ड आपराधिक रहा है। अभी तक अलग अलग पुलिस थानों में कुल मिलाकर 23 मामले दर्ज हैं। इनमें से 16 प्रकरणों में हो चुके हैं चालान भी। 6 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें अनुसंधान जारी है, तो वहीं एक मामले में लग चुकी है FR। चोरी, जुआ, मारपीट जैसे मामले हैं नरेश मीणा पर दर्ज। अब जब हिस्ट्री शीट खुलेगी तब और खुलासे पूरे मामले के हो पाएंगे। कुल मिलाकर आप समझिए कि एक थप्पड़ की कीमत बड़ी चुकानी पड़ेगी नरेश मीणा को, क्योंकि एक मामला नहीं, अन्य जो मामले होंगे उनके साथ साथ इस पूरे मामले के साथ ही कार्रवाई नरेश मीणा पर की जाएगी। डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ फोनलाइन पर हैं। शिवेंद्र, हिस्ट्री शीट खोली जाएगी नरेश मीणा की, अब किस तरीके से पूरे मामले की जांच आगे बढ़ेगी? देखिए, ये बड़ी खबर है इस समय की दीपिका, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने कल जो घटनाक्रम हुआ है देवली उनियारा के गांव सबरावता में, उसको बहुत गंभीरता से लिया है। और स्टेट हैंगर पर उन्होंने, चाहे वो ACS होम हो, DGP हो, CMO के अधिकारी हो, उनके कुछ स्तरीय बैठक ली है और बैठक में निर्देश दिए हैं कि चाहे वो नरेश मीणा हो या उपद्रव मचाने वाले उनके समर्थक हो, उनसे अब सख्ती से निपटा जाएगा जी। तो क्योंकि जो नरेश मीणा का रिकॉर्ड पुलिस ने जुटाया है वो काफी आपराधिक है। 23 मुकदमे, यानी कि 2 दर्जन करीब मुकदमे नरेश मीणा पर दर्ज है। ऐसे में ये फैसला लिया जा रहा है कि अब नरेश मीणा की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। हिस्ट्री शीट खोलने के बाद प्रभावी कार्रवाई जितने भी मामले हैं उनको इकट्ठा करके नरेश मीणा के खिलाफ की जाएगी। और जो 23 मामले नरेश मीणा पर दर्ज है वो चोरी, जुआ, मारपीट, रास्ता जाम करना, लोगों की पिटाई करना, इस तरीके के संगीन मामले हैं। इसमें से कई मामले ऐसे हैं जिनमें अभी भी अनुसंधान चल रहा है जी। तो जब हिस्ट्री शीट खुलेगी तो सभी मामलों में तेजी से जांच होगी। यानी ये कह सकते हैं कि अब नरेश मीणा के लिए एक बार पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद बाहर आना इतना आसान नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर इन शॉर्ट कहें शिवेंद्र, तो सख्त एक्शन की तैयारी है फिर नरेश मीणा के खिलाफ? देखो, हिस्ट्री शीट किसी भी अपराधी की खोलना ये पुलिस में बड़ी कार्रवाई मानी जाती है, और जो पुराने मामले होते हैं उनमें भी पुलिस जांच करती है। तो ये एक तरीके से शिकंजा कस लिया है अब राजस्थान पुलिस ने नरेश मीणा पर, और कोशिश ये है कि जो जिस तरीके से उन्होंने कल SDM को थप्पड़ मारा, उनके समर्थकों ने कानून व्यवस्था को खराब किया, गाड़ियों में आग लगाई, उसकी कीमत नरेश मीणा को चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।